आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क देहरादून में विजय दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस पर मुख्यमंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। यही नहीं, इस अवसर पर आयोजित निबंध एवं कला प्रतियोगिता के प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। सीएम धामी ने घोषणा की कि सैनिक आश्रितों को भर्ती पूर्व दिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान भोजन व्यवस्था के लिए प्रतिदिन दी जाने वाली धनराशि 80 रुपए से बढ़ाकर 225 रुपए की जाएगी। पहले भर्ती से पहले प्रशिक्षण करने वालों का जो भत्ता था 80 रुपए, निश्चित रूप से अभी हमारे यहाँ से बहुत सेना को, अर्धसैनिक बलों को, अन्य क्षेत्रों में बहुत सेवाएं देने का काम हमारा राज्य करता है, इसलिए उसको बढ़ाकर 225 रुपये किया है। निश्चित रूप से इससे और ज़्यादा हमारे प्रदेश के अंदर नौजवान आगे आएंगे और अपनी सेवाएं देंगे। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क से।